नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फीडर से मछली कैसे पकड़ें, इसमें कौन सा चारा लगाएं, कैसा चारा लगाएं और फीडर से मछली पकड़ने की सही तकनीक क्या होती है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप फीडर से बड़ी मछली का शिकार आसानी से कर पाओगे। इसमें वो चारा डालना चाहिए जो पानी में गिरते ही दोस्तों धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आपका चारा धीरे धीरे घुलना शुरू होगा तब वहाँ पर बहुत सी मछलियाँ आएंगी, छोटी मछलियाँ भी और बड़ी मछलियाँ भी। वो धीरे धीरे आपके चारे को खाना शुरू करेंगी और वो आपके पॉपअप को भी मुंह में ले लेंगी और वो खुद ही हुक हो जाती हैं दोस्तों, जब आप फीडर यूज़ करते हो तो। इससे बड़ी से बड़ी मछली आसानी से पकड़ी जा सकती है दोस्तों, अगर आप सही तकनीक यूज़ करते हो तो। फीडर से मछली पकड़ने का एक बेहतरीन चारा मैं आपको बता देता हूँ जो आपको चारा और चराई दोनों के काम आएगा। चारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए 1 किलो राइस पॉलिश लेना है, हमें 250 ग्राम गेहूं का आटा चाहिए, 250 ग्राम हमें सरसों का खल चाहिए, सरसों के खल का पाउडर बना लेंगे। उसके बाद 250 ग्राम हमें इसमें मकई का आटा डालना है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको चराई के जैसा गूंध लेना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, इसको चराई के जैसा आपको गूंध लेना है। उसके बाद आपको इसे फीडर में डालना है। फीडर में डालने के बाद आपको पॉपअप को फीडर में ऐसे लगाना है। लगाने के बाद आप इसको बोतल डोरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप रोड से भी फेंक सकते हैं। जो चारा मैंने आपको भी बताया है, आप इस चारे की चराई करते हैं तो आप इस चारे से बेहतरीन शिकार कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब भी हमें शिकार करना हो, खासकर इन दिनों में, तो हमें चराई करना ज़रूरी होता है, बिना चराई के हम शिकार नहीं कर पाते हैं। यही एक कारण होता है कि हमें दोस्तों शिकार नहीं मिल पाता है। अगर आप सही तरीके से चराई करने के बाद आप शिकार करते हो तो आपको शिकार 100% मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए फिशिंग से रिलेटेड चारा चराई और फिशिंग की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को हमारे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।